हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, है ना? और कल ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं गंगानगर सोचा चलो कपड़े ही ले आती हूँ। और वहां पे एक मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, मैं आपको बताती हूँ। ये ना देखो, ये ना मैं पिंजरा बना रही हूँ, ठीक है? और थोड़ा बहुत फिर वही है ना, वीडियो लंबी ना बन जाए तो मैं पहले थोड़ा सा बना लेती हूँ। और एक मुझे मैसेज आया किसी का, बड़ी खुशी हुई कि आप ना छोटी वीडियो मत बनाया करो, हने हमें आपकी वीडियो देखना अच्छा लगता है, आप अच्छे लगते हो, थोड़ी बड़ी वीडियो बनाया करो। तो वो ना पहले तो हमारे साथ ही घर है मेरे जेठ का, एक दो घर छोड़ के, तो उनके वाईफाई लगा हुआ था, तो उसलिए मैं थोड़ी बड़ी भी बना लेती थी तो उससे वो वीडियो डल जाती थी। अब तो मेरे फोन से ना जितनी वीडियो चढ़ जाती है, मैं उतना की मैं धीरे धीरे वाईफाई कनेक्शन अब सोच रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगी ना तब लगाऊंगी। तो फिर मैं बड़ी वीडियो डाला करूंगी एक थोड़ी। अब ये देखो, ये पिंजरा बन गया, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दो, पहले सीधा ले जाओ फिर यहाँ, और बचा बचा के करना है फिंगर कि कभी एक दूसरे को टच ना हो जाए। ये पिंजरा तो मैं तो वैसे अड्डे पे बना रही हूँ, अड्डे पे की बजाय ना नीचे बना लिया करो, नीचे रख के गद्दे पर। इसमें थोड़ा सा ना हाथ इधर उधर हिलने का डर होता है ना। ये देखो, बस ऐसे ऐसे लाइनें लगानी है, वो मैं बाद में लगाती रहूंगी। मैं आपको एक छोटी सी स्पैरो और ये जो थोड़ा सा फूलों का आइडिया जो है ना वो दे देती हूँ, ठीक है? और वो मैं बता रही थी ना, मैं गंगानगर गई थी तो मैं ना दुपट्टों वाली दुकान पर दुपट्टे देख रही थी, तो एक लड़की थी, होगी कोई 21-22 साल की एज होगी उसकी, अब इसको धीरे धीरे ऐसे ना डेकोरेट सा करते जाएंगे, एक ऐसे छोटी सी एक ऊपर की तरफ बना देंगे। ये मैंने पर्ल कलर इसमें यूज किया है, और अब मैं जो है ना ग्रीन कलर ले रही हूँ, डार्क ग्रीन कलर, ठीक है? तो वो जो लड़की है ना, वो ना उसने मुझको, वो कार में जा रही थी, उसने मुझे दुपट्टे वाली दुकान पे खड़े हुए देख लिया, उसने मुझको पहचान लिया, ठीक है? वो फिर दौड़ के मेरे पास आई और वो कहने लगी, आप जो वो YouTube पे वीडियो डालते हो बबली, आप वही हो ना? मैंने कहा हाँ जी मैं वही हूँ। कहते मुझे लग तो वही रहे थे दूर से, और वो इतनी खुश हुई ना मुझसे मिलकर। एक फिर कोई और उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो मुझे ये मैं बता रही हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई कि अब ये जो है ना पिंजरे के ऊपर, ये मैंने अब बारीक ब्रश लिया, पहले थोड़ा मोटा ब्रश था, ऐसे करते करते हुए ना नीचे की तरफ ऐसे बेल अपने मनगढ़ंत बना देनी है, कोई जरूरी नहीं है कि भी। मुझे बड़ी खुशी हुई, उस जैसे कोई बहुत फेमस हस्ती को अपने को मिलके खुशी होती है ना, उतनी खुशी उसको मुझसे मिलकर हुई, और उसने मेरी बड़ी तारीफ की ऐसे कि आप हमें बड़े अच्छे लगते हो, और ऐसे कोई भी नहीं बताता जैसे आप बताते हो, ऐसे ऐसे करके ना बड़ी इमोशनल हो गई।
मुझे भी लगा चलो YouTube ने मुझे इतनी वो हो गया कि मैं जाती हूँ तो लोग मुझे पहचानने लग गए अब ना। ये देखो ऐसे ऐसे करके अब इसमें लिप्स बनाते जाएंगे, कहीं कुछ बनाते जाएंगे, है ना। तो जब मैं डिजाइन पूरे वाली वीडियो डालूंगी आप उसमें देख लेना कि मैंने क्या, अब छोटे छोटे जो व्हाइट फूल है ना ऐसे छोटे छोटे फूल डाल दिए कहीं कहीं पर ऐसे, और इस सारे के अंदर छोटी छोटी पत्तियां डालनी है, है ना। और वन स्ट्रोक फ्लावर मैंने आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। अब मैं छोटी सी जो है ना जो स्पैरो है जो कि यहां पर बैठी है वो बता देती हूँ। हाथ है ना काफी दूर, अब वीडियो नहीं बनानी होती तो मैं हॉरिजॉन्टली बैठ जाती है, मुझे वर्टिकली बताना पड़ रहा है ना। ऐसे करके पहले मैंने ये क्रीमिश सा कलर किया, अब उसके बाद थोड़ा सा जो है ना ब्राउनिश सा कलर करेंगे। ये ब्राउनिश सा कलर मेरे ख्याल से मैंने पिंजरा कभी नहीं बताया ना, मुझे ऐसे समझ नहीं आती। देखो अपना किसी से कोई रिश्ता भी नहीं होता दूर दूर तक, और कोई कितना लगाव करने लग जाते हैं आपस में। जैसे यूट्यूब पे एक मैडम है नवनीत मैम, उन्होंने सूट बना दिया वो मुझे, और वो बहुत ऐसे, एक शिबा मेरी फ्रेंड है, एक सिमरन, बहुत ऐसे लगता है जैसे कि जैसे कोई रियल रियल सिस्टर होते हैं ना। मेरी बहन नहीं है और मेरे तीन भाई हैं, एक की डेथ हो चुकी है, जैसे दो भाई हैं और बहन मैं नहीं एक ही हूँ, तो सब ऐसे ट्रीट करते हैं कि हम आपकी बहन हैं, इतना अच्छा लगता है मुझे। ये देखो मैंने पहले यहाँ पे क्रीमिश सा कर दिया और फिर यहाँ पर जो है ना ऐसे ऑरेंज सा जैसे चिड़िया का कलर सा होता है ना ओरिजिनल, फिर ये इसकी टेल सी बना दी, पूंछ सी, और ऐसे ऐसे करके अब इसकी जैसे जैसे सूखेगा इसकी जो है ना पंजे बना देंगे, चोंच बना देंगे, और वो ना अब वो इसका बारीक ब्रश से होएगा काम। चला के देख लेते हैं अगर नहीं फैलता तो। आज कोई संगरिया से कोई जेंट्स हैं जैसे, उन्होंने मुझे ना अपने सूट पेंट किए हुए भेजे और इतनी सफाई उनके, इतनी सफाई, और मैंने कहा भाई आप काम क्या करते हो, तो उनका फोन आया, वो मैसेज आया मेरे पास, ये देखो मैंने बनाए हैं, इतना इतनी सफाई, कोई प्रोफेशनल उनकी भी इतनी सफाई नहीं होगी। और वो कहते हैं मैं हमारी घर बनाने की शौक है और ये मैं शौकिया ही करता हूँ, और उनकी वाइफ है जो कहता वो कढ़ाई करते हैं, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी कढ़ाई, उनकी पिक्स भेजी मुझे। अब कईयों को अपने कुछ पूछते हैं ना जिन्होंने कोर्स किया होता है पेंटिंग का, मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा हुआ ये जो पेंटिंग है कहीं से भी, और
अपने आप बस ऐसे कर करके। और मैं तो जो मैं मुझे पता होता है ज्यादातर मैं बता ही देती हूँ, लेकिन मैं अगर किसी से कुछ पूछती हूँ कोई नहीं बताता। अब मैं केमिकल की सर्च में हूँ, जैसे ही मुझे केमिकल मिल जाएगा ना जो इन कलर्स में डालने से ही सॉफ्ट कर देता है कपड़े को बिल्कुल ही प्रिंट, वो मैं आप सबको बताऊंगी। मैं ट्राई कर रही हूँ सब जगह से। एक तो ना ये मेरा हाथ दूर पड़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। अब ये लगभग बन चुकी है, बस इसको सूखते ही इसकी ये आईज और इसके अंदर व्हाइट रंग की टचिंग करनी है। अब बस लास्ट एक मैं आपको ना ये जो है ना वन स्ट्रोक जो फूल बनाया है वो एक और बता देती हूँ। ये छोटे छोटे फूल, ये तो आपको पता ही है ना, ये 4 नंबर का फ्लैट ब्रश है, 4 नंबर। ओके, अब मैं ये मजेंटा जो है पिंक कलर बोलते हैं ना न्यून शेड, वो यूज कर रही हूँ। ये लगभग फूल बन गया। अब आपने देख लिया ये 3 तो फूल है, इसके अंदर अब एक डॉट लगाएंगे, बारीक ब्रश से फिनिशिंग करूंगी और यहाँ पे सारा इसको पत्तियों से भर दूंगी और चिड़िया में थोड़ी सी फिनिशिंग कर दूंगी। तो ये देखो दूर से, अभी नीचे घेरे पर मुझे फूल बनाने हैं, ठीक है, इसके साथ का भी दुपट्टा भी बनाना है। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना।